Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is Models of Teaching, which comes under the heading of Educational Technology. So let's start. बात हो रही है शिक्षण के प्रतिमान. Models of Teaching एक बहुत important topic है आपके Educational Technology में, और इसमें बहुत सवाल पूछे जाते हैं या तो subjective, objective या MCQ में. Okay? तो इसका पहला कंसेप्चुअल लेक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है. तो सबसे पहले कि हाइमैन ने ये बताया कि मॉडल क्या होता है. द मॉडल इज अ वे टू टॉक एंड थिंक अबाउट इंस्ट्रक्शन इन विच सर्टेन फैक्ट्स बी ऑर्गेनाइज्ड क्लासिफाइड एंड इंटरप्रेटेड. ओके, तो हाइमैन मॉडल मतलब कि एक प्रतिमान हमको बना के दे दिया है, हमको उसको फॉलो करना है. तो मॉडल क्या है? एक तरीका है कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से सोचना है, इंस्ट्रक्शन के बारे में कैसे बात करनी है और सोचना है, और सर्टेन फैक्ट्स जो भी हमको पढ़ाना है वो कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे क्लासीफाई करना है और कैसे इंटरप्रेट करना है. फिर द कोर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस इज द अरेंजमेंट ऑफ एनवायरमेंट्स विद इन विच द स्टूडेंट्स कैन इंटरैक्ट एंड स्टडी हाउ टू लर्न. ये डीवी ने कहा, डीवी का कथन तो पुराना होगा, किसी ने बाद में कोट किया होगा इसको, कि जो टीचिंग प्रोसेस का कोर है यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया के हृदय स्थल में है, जो उसके मूल में है, वो क्या है कि हम किस तरह से उस वातावरण का निर्माण कर रहे हैं जिसमें कि विद्यार्थी एक दूसरे से इंटरैक्शन करेंगे और ये सीखेंगे और ये पढ़ेंगे कि कैसे सीखना है. Every model of teaching is a theoretical construction. Teaching के कई models बताए गए हैं और हर model जो है वो एक सैद्धांतिक निर्माण है, एक theoretical construction है जो कि ये बताता है कि किस तरह उसके various components होंगे जो कि facilitate करेंगे, सुविधा प्रदान करेंगे, आसान बनाएंगे चीजों को. That is the translation of theory into practice. मतलब theoretical construction है, हम theory मान के चले हैं कि ऐसा है, करेंगे तो ऐसा होगा, तो उसको practice में लाने के लिए model of teaching काम करता है. There are postulates used by teachers to make their teaching effective. तो जो शिक्षक हैं वो मान के चलते हैं, उन्होंने कुछ postulate बना लिए हैं, मान्यताएं हैं कि ऐसा करेंगे तो बढ़िया शिक्षण हो पाएगा, और अंततः शिक्षण बढ़िया होने से क्या लाभ होगा कि अधिगम बढ़िया होगा. ठीक, तो और भी कुछ definitions हैं इसकी model of teaching की, देखते हैं. Joyce and Beale, देखिए Joyce and Beale की book सबसे ज़्यादा famous है, सबसे ज़्यादा quote किए जाते हैं ये models of teaching पे. तो क्या कह रहे हैं? According to B.R. Joyce, teaching models are just instructional designs. वो कह रहे हैं teaching model जो है वो और कुछ नहीं है, बस अनुदेशन का नमूना है कि हमने तय कर लिया है कि हमको किस तरह से अनुदेशन देना है. They describe the process of specifying and producing particular environmental situations which cause the student to interact in such a way that specific change occurs in his behavior. मतलब ये जो teaching models हैं वो describe करते हैं, वो वर्णन करते हैं process of प्रक्रिया का. किस प्रक्रिया का? जिसमें हम particular environment को produce करेंगे या specify करेंगे environmental situations को, जो कि ऐसा वातावरण बनाएंगी जिसमें कि विद्यार्थी इस तरह से आपस में interaction करेंगे कि उनके behavior में स्पेसिफिक चेंज हो जाएगा. कैसा स्पेसिफिक चेंज? कि वो सीख जाएंगे, है ना. और जॉयस एंड बील कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसको, कि टीचिंग मॉडल इज ए कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरेटिकल पोर्शन, है ना. ये बात समझ में आ गई कि एक व्यापक सैद्धांतिक ये कुछ निर्माण क्षेत्र है. अबाउट टीचिंग लर्निंग एंड डिस्क्राइबिंग गोल्स ऑफ लर्निंग करिकुलम सेटिंग एंड प्रोसीजर, यानी कि पाठ्यक्रम कैसे बनाना है, हमारे लर्निंग के गोल्स क्या हैं, टीचिंग लर्निंग कैसे होगी, इन सब के बारे में एक थ्योरेटिकल कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल या पोर्शन टीचिंग मॉडल है. एंड देयर आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू टीचिंग एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग. इसीलिए बहुत तरीके की अप्रोचेस हो सकती हैं और बहुत तरीके से हम टीचिंग और लर्निंग को अपने क्लासरूम में अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. पॉल डी गेन कहते हैं कि मॉडल्स आर प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज डिजाइंड टू अकॉम्प्लिश पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल्स. कि मॉडल्स क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज है. प्रिस्क्रिप्शन, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, हमको लिख के बताता है कि ये दर्द है, ये तकलीफ है, तो ये दवा खा लीजिए तो आप सही हो जाएंगे. उसी तरह से विद्यार्थी का डायग्नोस करने के बाद हमें लगा कि ये एरिया है जहाँ पे उनको विशेष इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, विशेष इनपुट की जरूरत है, तो वो प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि आपको बताई गई है, प्रिस्क्राइब की गई है कि ये टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर लीजिए तो क्या होगा कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल्स को हम हासिल कर लेंगे. और मॉडल्स ऑफ टीचिंग एक्चुअली क्या है? मॉडल्स ऑफ लर्निंग है. डिजाइंड किस लिए बनाए गए हैं? टू हेल्प स्टूडेंट्स, विद्यार्थी की मदद करने के लिए, जिससे कि वो ज्ञान, सूचना, विचार, कौशल, मूल्य और थिंकिंग के तरीके यानी कि सोचने के तरीकों को हासिल कर सकें.
ब्रूस जॉयस एंड मार्शा वेल डिफाइन करते हैं कि मॉडल ऑफ टीचिंग एज अ प्लान और पैटर्न, ये एक योजना है, एक एक नमूना है, दैट कैन बी यूज्ड, जिसका के इस्तेमाल किया जा सकता है टू शेप करिकुलम डिजाइन, जिससे कि हम करिकुलम का निर्माण कर सकें, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को डिजाइन कर सकें और इंस्ट्रक्शन को क्लासरूम में कैसे देना है ये गाइड करने की प्रक्रिया ही टीचिंग मॉडल है। अगर इंडियन राइटर्स, इंडियन एजुकेटर्स की बात करें तो बी के पासी, एल सी सिंह एंड डी एन सनसनवाल 1991 में डिफाइन करते हैं कि ए मॉडल ऑफ टीचिंग कंसिस्ट ऑफ गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंट्स। यानी कि मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, शिक्षण का प्रतिमान क्या है, उसमें वो गाइडलाइंस होती हैं, वो निर्देशक तत्व होते हैं जो हमको बताते हैं कि किस प्रकार से शैक्षिक क्रियाओं और शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना है। मॉडल ऑफ टीचिंग इज ए प्लान, मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, एक योजना है, दैट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज टू शेप कोर्सेज ऑफ स्टडीज, टू डिजाइन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड टू गाइड इंस्ट्रक्शन, जिससे कि हमको पता चले कि कौन सा कार्यक्रम है, कौन सा कोर्स है, उसको कैसे शेप देना है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को कैसे डिजाइन करना है और कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, है ना। तो एक तरीके से ये स्ट्रेटेजी है बताने के लिए कि किस तरह से आप अपने क्लासरूम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कीजिए जिससे कि लर्निंग हो सके। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग एक्चुअली क्या है, मॉडल्स ऑफ लर्निंग है। क्लासिफिकेशन देखिए, ब्रूस जॉयस एंड मार्शा बेल ने चार हमको फैमिलीज बताई हैं, बाकी जितने भी टीचिंग मॉडल्स होते हैं वो इन्हीं फैमिलीज के सब हेडिंग्स होते हैं। तो ये मुख्य फैमिलीज हैं, परिवार हैं आपके मॉडल्स ऑफ टीचिंग के, कि इसी तरीके से आप टीचिंग करा सकते हैं। या तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल होगा जिसमें कि कॉग्निशन पे ज़्यादा बल दिया जाएगा, या पर्सनल मॉडल होगा जिसमें कि आप पर्सनल टच पे ज़्यादा इम्फेसाइज करेंगे, सोशल इंटरेक्शन मॉडल होगा जिसमें सोशल इंटरेक्शन पे ज़्यादा बल होगा जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म, और बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स होंगे जिसमें कि बिहेवियर के मॉडिफिकेशन पे ज्यादा बल होगा, जैसे कि स्किनर ने बताया था जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाले मॉडल आ जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में आपका कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, यानी कि कॉग्निशन वाले मॉडल, पर्सनल मॉडल में जैसे आपका कार्ल रोजर्स का मॉडल, सोशल इंटरेक्शन में जैसे कि आपका सोशल सेटिंग, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन के मॉडल्स, और बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जैसे कि आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो वो आपको जब याद करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस मेन फैमिली की का सब हेडिंग वो मॉडल है जो कि आपके कोर्स पे आप याद करने जा रहे हैं। फिर कोई भी मॉडल हो वो कुछ खास एलिमेंट्स हैं और क्रम से हैं उनको फॉलो करेगा। कौन से हैं वो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स? देखिए इसमें खास बात ये कि कई किताबों में, या हम लोग भी शुरुआत तक पढ़ते रहे तो हम चार ही इसके कंपोनेंट्स पढ़ते रहे कि फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। लेकिन आप अगर आप उसको और सर्च करेंगे, और लिटरेचर सर्च करेंगे, और बुक्स में और राइटअप्स में देखेंगे तो कहीं कहीं छह मिलता है। लेकिन कहीं कहीं किस तरह से छह मिलता है मैं आपको बता रही हूँ। मिलता है फोकस, सिंटेक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और एप्लीकेशन। लेकिन कहीं कहीं मिलता है फोकस, सिंटेक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और इंस्ट्रक्शनल एंड नर्चरेंट इफेक्ट, सॉरी। तो ये एक्चुअली सात हैं, फोकस, सिंटेक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, फिर एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल जो एप्लीकेशन में आ जाएगा, और इंस्ट्रक्शनल एंड नर्चरेंट इफेक्ट जो है वो इफेक्ट्स ऑफ द मॉडल में आता है। तो हम पूरा साथ पढ़ेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं। तो ब्रूस जॉयस एंड मार्शा वेल ने हमको एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बना के दिया कि हर आपका मॉडल ऑफ टीचिंग में ये सात पॉइंट है जिनको वो फॉलो करेगी, चाहे वो किसी भी फैमिली का हो। और उसी तरह से हमको याद करना पड़ता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के लिए फोकस, सिंटेक्स ये सब क्या है, पर्सनल मॉडल के लिए क्या है, सोशल इंटरेक्शन के लिए क्या है, और फिर क्या नाम है आपका लास्ट वाला, क्या था, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए क्या है। फिर अब देखते हैं कि सब में होता क्या है। फोकस या ऑब्जेक्टिव क्या है? फोकस का मतलब कि ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? एवरी टीचिंग मॉडल मस्ट हैव ए फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव which is called as the focus of that model. These focuses are influenced by the teaching objectives and goals and keep striving for the development of these skills and abilities. Focus is the central aspect of a teaching model. Objectives of teaching and aspects of the environment generally constitute the focus of the model. यानी कि model का main मुख्य केंद्र बिंदु किस उद्देश्य से ये teaching model बनाया है वो उसके focus में आएगा, उसका उद्देश्य, उसी उद्देश्य के हिसाब से आप सारा कुछ plan करेंगे। फिर सिंटेक्स में क्या होता है, जिसको आप फेजिंग के नाम से अगर याद रखें तो आपको याद होगा कि चरण, कौन कौन से चरण उस मॉडल में फॉलो किए जाएंगे।
सिंटैक्स इंक्लूड्स द सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स, कौन कौन से चरण होंगे इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ टीचिंग. तो इसमें होगा कि वो जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपने तय किए हैं उनके लिए आप कौन से एक्शन, स्ट्रेटजी, टेक्निक या इंटरेक्शन फॉलो करेंगे. तो इसमें क्या आएगा, इट इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग. हम जानते हैं ना टीचिंग इंटरएक्टिव होती है, पोस्ट एक्टिव होती है, प्री एक्टिव होती है. तो हर स्टेज में आप कौन कौन से एक्टिविटीज या एक्शंस या प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं, इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपने पहले तय किया. तो ये सिंटैक्स हो गया. फिर प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन. प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि टीचर जो स्टूडेंट एक्टिविटी करेगा उस पर क्या रिएक्ट करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन. दिस एलिमेंट इज कंसर्न विद द वे टीचर शुड रिगार्ड एंड एस्पेक्ट्स रिस्पॉन्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स. यानी विद्यार्थी जो प्रतिक्रिया कर रहा है उस पर हम कैसे रिएक्शन देंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन है. और ये रिएक्शन ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट और सेलेक्टिव होने चाहिए. फिर आता है आपका सोशल सिस्टम. सोशल सिस्टम का मतलब कि हर मॉडल का एक सोशल सिस्टम होता है जो ये बताता है कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में आपस में किस तरीके का इंटरेक्शन होता है. और ये किस थ्योरी पे बेस्ड है या किस एजम्पशन पे बेस्ड है कि हर क्लास एक मिनिएचर सोसाइटी होता है, जैसा कि डीवी ने बताया था. इसलिए उन्होंने कहा कि सोशल सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी दो बातें आ जाएंगी. एक तो इंटरेक्टिव रोल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों और शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का अंतः संबंध और रिलेशनशिप. और दूसरा द काइंड्स ऑफ नॉर्म्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन स्टूडेंट बिहेवियर विच इज रिवॉर्डेड. ठीक है, कि किस तरीके का मानक जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए, अगर स्टूडेंट ऐसा करता है तो उसको आपको इनाम देना चाहिए. फिर आपका आता है सपोर्ट सिस्टम. सपोर्ट सिस्टम में आती है वो चीज़ें जो टीचर की कैपेबिलिटी से परे हैं, जैसे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स अदर देन द यूजुअल ह्यूमन स्किल्स और कैपेसिटीज ऑफ द टीचर एंड द फैसिलिटीज यूजुअली अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी क्लासरूम. यानी कि क्लासरूम में जो ईजिली अवेलेबल चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड के अलावा और टीचर की कैपेबिलिटी के अलावा क्या ऐसा चीज़ है, एडिशनल रिक्वायरमेंट जिससे कि आपको सपोर्ट मिल सकता है. तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका हो गया बुक्स हो गया, फिल्म्स हो गई, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम हो गया, ट्रेवल अरेंजमेंट हो गया, ये सब. तो इसके भी दो सोर्सेज है. पहला तो द रोल स्पेसिफिकेशन फॉर द टीचर एंड द सब्सटेंटिव डिमांड्स ऑफ द एक्सपीरियंस, यानी कि एडिशनल रिक्वायरमेंट सपोर्ट सिस्टम में आएगा. और एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल में द बेसिक पर्पज एंड लिमिट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए थिंग मॉडल आर बींग स्पेसिफाइड अंडर दिस क्राइटेरिया इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंटेंट्स. यानी कि वो मॉडल आपका, उसका एप्लीकेशन कितना है, जो भी जिस मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हुआ तो उसका एप्लीकेशन बदल जाएगा, आपका जितने भी बाकी तीन हैं उनके हिसाब से उनका एप्लीकेशन बदल जाएगा. और लास्ट वाला है आपका इफेक्ट ऑफ द मॉडल, जिसमें इंस्ट्रक्शनल और नर्चरेंट इफेक्ट आते हैं. तो इसमें भी कह रहा है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ए मॉडल आर कैटेगराइज्ड एज द डायरेक्ट और इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट एंड द इनडायरेक्ट और नर्चरेंट इफेक्ट. यानी कि जो डायरेक्ट इफेक्ट है उसको आपने इंस्ट्रक्शनल का नाम दिया, जो इनडायरेक्ट है उसको नर्चरेंट का नाम दिया. तो इंस्ट्रक्शनल में क्या आएगा, कंटेंट एंड स्किल बेस्ड चेंजेस इन द लर्नर्स बिहेवियर डेवलप थ्रू देयर ओन एक्टिविटी. यानी कि लर्नर ने जो जो एक्टिविटीज़ की हैं विद्यार्थी ने, उसकी वजह से उसके कंटेंट और स्किल में क्या चेंज आया. और नर्चरेंट इफेक्ट आएगा, चेंजेस इन द एबिलिटी ऑफ द लर्नर सच एज थिंकिंग, क्रिएटिव डेवलपमेंट एक्सेट्रा विच रिजल्ट फ्रॉम लिविंग इन द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय द मॉडल. यानी कि इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट तो लर्नर की अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आया जो उसने किया, लेकिन नर्चरेंट इफेक्ट क्या है कि जो इन्वायरमेंट उस मॉडल ने क्रिएट किया है उसकी वजह से क्या चेंज उसकी एबिलिटी में आया है, ये नर्चरेंट इफेक्ट है. तो ये सात कंपोनेंट हर टीचिंग मॉडल में होंगे. तो पहले तो ये पता हो कि हर टीचिंग मॉडल में कितने कंपोनेंट होते हैं, फिर आप जो भी मॉडल याद कीजिए उसको इन्हीं सात हेडिंग में याद कर लीजिए, तो वो मॉडल आपका रेडी हो जाएगा. और लास्ट में कि फंक्शंस क्या होते हैं टीचिंग मॉडल के, वैसे ये क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी डिजाइनिंग करिकुलम और कोर्सेज ऑफ स्टडी, जो अध्ययन के लिए कोर्स या करिकुलम का निर्माण करना, डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, क्या पढ़ाना है उसका चुनाव और विकास करना, और गाइडिंग टीचर्स एक्टिविटीज़ यानी शिक्षक क्या क्रियाएं करेगा उसको निर्देशित करना, ये मॉडल्स ऑफ टीचिंग के मुख्य तीन काम हैं. ठीक है, तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग में बहुत प्रश्न आते हैं, लेकिन एक उसका जनरल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मॉडल्स ऑफ टीचिंग, या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जो उसका बेसिक सवाल है उसका जवाब ये है. बाकी तो इतने सारे मॉडल हैं, आप याद करते चलिए उनको. ठीक है, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माय साइड.